हेलो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे और मैं हूँ रोशन कुमार। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा जा रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। कहा जा रहा है कि कोई धन जो है वो 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो हमें कहा जाए कि ब्याज की वार्षिक दर बताओ। तो हमें क्या बताना है? ब्याज का वार्षिक दर। तो याद रखना है कि दर बराबर जो होता है वो गुनी माइनस वन बटा में समय अगुना 100 होता है। क्या होता है? दर बराबर गुनी माइनस वन बटा में समय गुना 100 होता है। तो एक बात बताइए, यहां पर कितना गुना हो रहा है? तो 3 गुना हो रहा है, तिगुनी। तो 3 माइनस 1 बटा में समय कितना है? 5 वर्ष है तो 5 अगुना 100। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2। तो 2 बटा 5 अगुना 100। 5 से 20 मान में कट गया, 20 दूनी के 40। तो हमें पता चल गया कि दर जो है 40% है। क्या करना है? दर बराबर गुनी माइनस वन बटा में समय गुना 100 कर देना। तो गुनी कितना है? 3 गुनी है तो 3 माइनस 1 बटा में 5 गुना 100। तो हमें पता चल गया कि 40% जो है दर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है उसको सबसे पहले देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि कोई धन 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कहा जा रहा है कि यदि कोई धन जो है वो 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो दर क्या होगा? हमें क्या आप पूछा जा रहा है? दर पूछा जा रहा है। तो अभी पढ़े कि दर बराबर क्या होता है? गुनी माइनस वन। तो कितना गुना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। तो 2 माइनस 1 आप बटा में समय कितना दे रहा है यहाँ पे? 6 वर्ष दे रहा है। तो 6 अगुना में यही ना करिएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो 1 बटा 6 गुना 100। 2 से 3 बार में चले गया, 2 से 50 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 50 बटा 3, या इसी को लिख सकते हैं 16.2/3%। तो हमें पता चल गया कि जो दर है वो कितना है? 16.2/3% है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन सही है। कुछ नहीं करना है, दर बराबर गुनी माइनस वन बटा में समय गुना 100 कर देना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई धन 5 वर्ष में क्या हो रहा है कि 2 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्ष में यह 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमें समय पूछा जा रहा है। इसके लिए क्या करते हैं कि गुनी वन माइनस वन बटा में समय वन बराबर गुनी टू माइनस वन बटा में समय टू। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि यदि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 2 माइनस 1 बटा में 5 बराबर। उसके बाद कहा जाए तो कितने वर्ष में वह 3 गुना हो जाएगा। तो गुनी की जगह पर क्या रख दीजिएगा? 3 माइनस 1 बटा, हमें समय नहीं पता है वही तो निकालना है, x मान लिए। 2 में से 1 है तो 1/5 बराबर, 3 में से 1 है तो 2/x, ये इससे गुना हो जाएगा ये इससे। तो 1 गुना x बराबर कितना हो गया? 5 गुना 2 10। तो हमें पता चल गया कि 10 वर्ष में जो है यह धन कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है। क्या सही है? डी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या करे उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/5 है। क्या कर रहा है कि किसी धन पर 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का क्या है? 1/5 है। तो दर का प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां पे क्या करेंगे? दर का प्रतिशत निकालना है ना। तो दर बराबर जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना गुना है? तो 1/4। यहां पे क्या लिख देंगे? 1/4 अगुना 100। क्या लिख देंगे? 1/4। यहां पे क्या करें कि कोई धन का क्या है? किसी धन पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है तो दर का प्रतिशत ज्ञात करो। तो 1/5, यहाँ पे 1/5 है गुना 100, यहाँ पे क्या कर देना है? 1/4।
तब पांच जग बीस, बीस से पांच और में, तो हमें पता चलेगा कि दर कितना है, 5% है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है 14 का 4 का ये ऑप्शन सही है। क्या करना है कि दर बराबर जितना गुना साधारण ब्याज है उतना गुना 100 और बटा में समय कर देना है। क्या करना है, जितना गुना कर रहा है साधारण ब्याज का उतना गुना 100 और बटा में समय कर देते हैं दर बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में 7,500 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। हमें कहा जा रहा है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में जो है वो कितना हो जा रहा है, 6,000 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में 7,500, तो हमें बताना है कि मूलधन कितना होगा। तो यहां पर देखिए 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6,000 रुपया। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 5 वर्ष में 7,500 रुपया। तो एक बात बताइए, 2 वर्ष से जब 5 वर्ष हुआ तो क्या हुआ, 7,500 हो गया, तो क्या बढ़ा, साधारण ब्याज में बढ़ेगा, बढ़ेगा तो साधारण ब्याज, क्योंकि मूलधन तो वही रह जाएगा। तो यहाँ पे घटाइए, 5 से 2 गया तो 3, इसमें से इसको घटाइएगा तो 1,500, तो हमें पता चल गया कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 1,500 रुपया है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 500, 3 से इसको काट दीजिएगा। तो जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 गुना 500 1,000 हो जाएगा, होगा ना। एक बात बताइए, 2 वर्ष का मिश्रण 6,000 रुपया है और क्या है मूलधन, यहाँ पे क्या है साधारण ब्याज 1,000 रुपया आया, तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। मिश्रण में से यदि हम मूलधन को घटा देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ब्याज कितना होगा, ये मूलधन कितना होगा, 5,000 रुपया। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 6,604 रुपया हो जाता है। कहा जा रहा है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 6,604, तो कहा जा रहा है कि और 5 वर्ष में 7,540 रुपया हो जाता है, और कहा जा रहा है कि 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 7,540, तो हमें पूछा जा रहा है कि मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ में देखिए 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 6,604, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 7,540, तो क्या बढ़ रहा है, साधारण ब्याज बढ़ रहा है ना, तो 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज बढ़ा, घटा लीजिए 7,540 में से 6,604 को, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 3, 15 में से 6 गया तो 9, खत्म हो गया। तो 2 वर्ष में पता चलेगा कि 936 रुपया जो है साधारण ब्याज है। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, 2 से काटिए, 2 चक 8, 2 छक 12, 2 8 16, तो हमें पता चलेगा कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 468 रुपया है। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो गुना कर देंगे 3, 468 + 24 = 4, 2 + 6 = 12, 6 + 18 = 18, 20 + 0 = 2, 14 + 12 = 14, तो हमें पता चल गया कि 1,404 रुपया जो है वो क्या है, ब्याज है 3 वर्ष का। और 3 वर्ष का मिश्रधन दे रहे कितना, 6,604, तो 6,604 में से यदि हम 1,404 को घटा दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, हमको क्या पता चलेगा, मूलधन ही ना पता चल जाएगा। मिश्रधन में से ब्याज को घटाइएगा तो क्या पता चल जाएगा, मूलधन को घटाइए, 4 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया तो कितना बच गया, 2, 6 में से गया तो 5, तो हमें पता चल गया कि 5,200 रुपया जो है वो क्या है, मूलधन है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।